नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वक्त भारत देश की सबसे बड़ी कोरोना लेकर हिंदी खबर। बड़ी खबर यह है कि एक बहुत मशहूर गुरु हैं इंडिया, उनके खिलाफ दर्ज हुई है बलात्कार की। गायत्री परिवार के प्रमुख हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या पर बलात्कार की एफआईआर दर्ज। हरिद्वार के गायत्री कुंज के सर्वे सर्वा हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या। डॉक्टर पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के विवेक विहार थाने में पंड्या दंपत्ति के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई है। अंडर सेक्शन 376/506/34 आईपीसी के तहत विवेक विहार दिल्ली में ये एफआईआर दर्ज हुई है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए हैं कि साल 2014 प्रणव पंड्या ने मेरे साथ मुंह काला किया। ये बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर, साल 2010 से 2014 के बीच में डॉक्टर प्रणव पंड्या ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है। गायत्री तीर्थ जो कुंज है, शांति कुंज, उसके प्रमुख हैं ये और आचार्य श्री राम शर्मा के दामाद हैं। जरा इनको पूरी स्क्रीन पे दिखाया जाए, फुल स्क्रीन पे दिखाया जाए इनको। डॉक्टर प्रणव पंड्या, ये देखिए, ये डॉक्टर प्रणव पंड्या हैं, ये उनकी पत्नी हैं शैल बाला पंड्या। इन दोनों के ऊपर राजधानी दिल्ली के विवेक विहार थाने में एक 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, ये एक पीड़िता ने दर्ज कराई है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली है ये पीड़ित लड़की, और जिस वक्त उसके साथ बलात्कार हुआ वो मात्र 14 साल की थी। 2010 में, जुलाई 2010 में इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया डॉक्टर प्रणव पंड्या के द्वारा, और डॉक्टर प्रणव पंड्या ने की करतूत की जो शिकायत जब उस लड़की ने पत्नी शैल बाला से की, तो उसको डरा धमका कर मुंह बंद करवा दिया गया। 2014 तक, 2010 से जुलाई 2010 में पहली बार बलात्कार, जब बारिश का मौसम था, ऐसा इस लड़की ने एफआईआर में लिखा है। ये एफआईआर की कॉपी हिंदी खबर पर दिखा रहे हैं। हमने पीड़ित लड़की का जो नाम है वो छिपा दिया है, उसका मौका है, ताकि पहचान में उजागर ना हो पाए। इस लड़की का बदला हुआ नाम अब शक्ति हम ले रहे हैं, और इस एफआईआर में शक्ति ने लिखा है कि निर्भया को मिले इंसाफ के बाद इनकी भी आस अब वो जगी है, और अब ये चाहते हैं कि डॉक्टर प्रणव पंड्या और शैल बाला ने जो उनके साथ अन्याय किया, जो जुल्म सितम किया, अब उसका इंसाफ वो करें। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिंदी खबर पर हम दिखा रहे हैं गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या पर बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई है। अंडर सेक्शन 376, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के विवेक विहार थाने में यह एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है। नाबालिग लड़की की इज्जत लूटने के मामले में दिल्ली में यह एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदी खबर पर, और यह एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और हम बता दें कि इस खबर को दिखाने के पहले विवेक विहार थाने में तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमने उनसे अलग अलग बात करके ये तस्दीक की है कि ये एफआईआर कहीं फर्जी तो नहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से जो फर्जी कंटेंट है वो फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर्स ने हमको तस्दीक किया ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है, और उसके बाद इस खबर को हम जनहित में दिखा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, हम डॉक्टर प्रणव पंड्या और डॉक्टर शैल बाला को बलात्कारी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अदालत का काम है, विद्वान न्यायाधीश महोदय का काम है कि अमुक व्यक्ति ने बलात्कार किया है या नहीं किया। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर दर्ज हुई। 0 एफआईआर है जो दिल्ली के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार थाने में दर्ज की गई है। 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ साल 2010 से 2014 के बीच में कई बार के आरोप में उस पीड़ित लड़की, जिसका नाम शक्ति है, उस लड़की ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर है, और ये एफआईआर अब हरिद्वार भेजी जाएगी। हरिद्वार में गायत्री तीर्थ शांति कुंज का जो आश्रम है, जो जो विश्व प्रसिद्ध है
इस आश्रम में अब इस एफआईआर को भेजा जाएगा संबंधित थाने को और वो जाकर इसकी पूछताछ करेगी। डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैलबाला पंड्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली के विवेक विहार थाने में पंड्या दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अंडर सेक्शन 376, 506 और 34 के तहत विवेक विहार दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज हुई है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली नाबालिग लड़की ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि साल 2010 में जुलाई 2010 से लेकर 2014 तक डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उस लड़की के साथ जो तब नाबालिग थी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बलात्कार के वक्त यानी साल 2010 में 14 साल की थी पीड़ित लड़की। जुलाई 2010 में प्रणव पंड्या ने 3 बार मेरा बलात्कार किया था। बहुत ज्यादा खून आ जाने की वजह से मुझे गायत्री अस्पताल ले गए थे। डॉक्टरों पर दबाव डालकर इस मामले को छिपवा दिया गया, ये भी पीड़िता ने कहा है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी, मगर निर्भया केस में इंसाफ के बाद मुझे न्याय की उम्मीद बढ़ी है और पीड़िता ने अपनी पहचान उजागर न करते हुए अपना नाम शक्ति रखा है। और प्रदीप तेवतिया जो अब पीड़िता के वकील हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी प्रदीप तेवतिया, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है भारत का, क्या कहेंगे आप, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो ये मामला है इसमें ये लड़की लगभग पिछले 5-10 दिन से न्याय के लिए इधर उधर भटक रही थी और ये लड़की ने, शक्ति ने सारा मामला हमें बताया और बताया कि मैं लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गई हूँ और मेरे साथ इसी तरीके से मुझे हरिद्वार से जो ये रिनाउंड पर्सनैलिटी है तो मिस्टर पांड्या और वहाँ अपने आप में बड़े एस्टेब्लिश हैं तो इन्हें ये लगा कि मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करेगा, मुझे मेरा कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएगा। तो फिर तो मैंने बताया कि आप दिल्ली पुलिस पर विश्वास करिए और कंसर्न्ड SHO साहब जो अपने थाने के हैं, कंसर्न्ड DCP जो हमारे यहाँ अमित शर्मा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और तत्काल प्रभाव से इन्होंने एक 0 FIR का जो हमारा प्रार्थना पत्र था उसको स्वीकार किया और आश्वस्त किया इस लड़की को कि आपके साथ जितना भी दिल्ली पुलिस कॉपरेट कर सकती है कॉपरेट करेगी और कॉपरेशन दिखाते हुए 0 FIR दर्ज करके और ये FIR जहां तक मैं समझता हूँ शायद कंसर्न थाने में SSP हरिद्वार जो है उसको भेज दिया गया होगा अब तक जी। और फर्दर जो तफ्तीश है हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से हमें विवेचना अधिकारी फोन करेंगे, 164 के बयान होंगे और अभी प्रथम दृष्टया 376 506 का जो मुकदमा बनता है वो मुकदमा दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है और अभी तक के इस मामले में हम दिल्ली पुलिस का जो रोल है उससे काफी संतुष्ट है जी। आप रहिए वकील साहब, फोन मत काटिएगा। हमारे साथ इस वक्त गायत्री तीर्थ परिवार के जो पूर्व सेवादार हैं वो मौजूद हैं, मनमोहन सिंह साहब। मुझे आप ये बताइए कि ये पूरा मामला है क्या और FIR कराने में इतना वक्त क्यों लग गया? सर बोलिए बोलिए, आप फोन पे, आप फोन पे मेरी बात सुनिए, आप टीवी की आवाज मत सुनिए, फोन पे मेरी बात सुन के आवाज का जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, इतना वक्त क्यों लग गया? जरा भाई इनको जरा फोन का दोबारा जोड़ा जाए। वकील साहब मुझे बताइए अब इसमें आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या गिरफ्तारी होगी? वकील साहब, प्रदीप तेवतिया। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है वकील साहब, क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होगी? देखिए, जिस तरीके से ये संगीन मामला है जो रूटीन में हम देखते आते हैं, प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर सच्चाई मिलती है तो विवेचना अधिकारी और कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स उसको जो इसमें अभियुक्त बनता है चाहे वो अबेटमेंट करे या डायरेक्ट उसके खिलाफ एलिगेशन हो उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया मुकदमा है, सेटिस्फेक्शन के बाद रूटीन में गिरफ्तारियां होती रहती हैं ऐसे केसेस में जो हम देखते हैं कचहरियों में, हमने कोर्ट्स में देखा है कि गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो टोटली पुलिस ऑफिसर्स के पास रहता है और उन्हीं की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि अरेस्ट करें या ना करें, लेकिन अमूमन इतने सीरियस ऑफेंसेज में गिरफ्तारियां होती हैं और मुझे उम्मीद है कि इस लड़की को भी न्याय मिलेगा और कंसर्न जो SSP हरिद्वार है या जो DGP उत्तर प्रदेश है वो अपना अपना विवेक दिखाएंगे, अपनी
बिल्कुल इम्पार्शियल इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और मुझे उम्मीद है कि शायद इसमें गिरफ्तारी भी होगी। जी मनमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप पूर्व सेवादार हैं गायत्री तीर्थ के। मनमोहन जी आप रहिए हमारे साथ, एडवोकेट प्रदीप तेवतिया हमारे साथ हैं। मनमोहन भाई क्या है पूरा मामला जरा बताइए विस्तार से खुल के, लड़की का नाम लिए बगैर, ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो। और मैं पूर्व सेवादार नहीं हूँ, अभी भी मैं वहाँ सेवारत हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं 96 से वहाँ सेवा दे रहा हूँ, अभी भी सेवारत हूँ। अच्छा। और हम लोग ने क्या कहता है यथासंभव पारिवारिक ढंग से समझाने का प्रयास किया, एक गायत्री परिवार जो नाम है उसी भाव से कि वो हमारे भी परिवार का सदस्य, चाहे वो डॉक्टर प्रणव पांड्या जी हो चाहे शैलवाला पांड्या जी हो, वो हमारे अभिवाहक हैं, उनको बहुत मौका दिया 2011 से, साथ में बैठकर बहुत सारे तरीके के द्वारा, पत्र के द्वारा, ईमेल के द्वारा और लोगों के दबाव के द्वारा, आरटीआई वगैरह के द्वारा, मगर वो बार बार उसे दाब दिया करते थे। हम लोगों का प्रयास फिर भी चलता रहा कि आप सुधार कीजिए, ट्रांसपेरेंसी। नहीं एक सेकंड, मनमोहन जी आप वहाँ के सेवादार हैं, मैं पूर्व आपके नाम से हटा रहा हूँ शब्द, आप वहाँ के सेवादार हैं, आप मुझे बताइए जो डॉक्टर प्रणव पांड्या हैं आपकी, इस बारे में उनसे कितनी बार बात हुई और कब कब? मेरी 8 अगस्त 2018 को लगभग सवा घंटा अगल बगल बैठ केवल हम थे और डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। अच्छा फिर उन्होंने इनकार किया, नथिंग इज गोइंग इमोरल देयर, मगर मैंने कहा देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए आए हैं हम लोग, ने अपना प्रतिभा सब कुछ लगाया है मिशन के लिए, आश्रम के लिए। हाँ। और इस पंडित श्रीराम शर्माचार्य की आवाज को सुनकर, उसके उद्देश्य को सुनकर, हाँ। तो जो भी कुछ गलतियां हैं कमियां हैं उसको दूर किया जाए पारिवारिक ढंग से। हाँ। मगर उन्होंने उल्टा, जिन्होंने मुझे लगता है सब कुछ बताया उस लड़की के पीड़िता के बारे में, उसको धमकी भी दिया कि तुमको वहां से निकलवा देंगे, तुमको हटवा देंगे। और उसके बाद इस लड़की को भी कहता है धमकी दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और मेरे को एक तरफ कहते हैं कि मैं तो उस लड़की को जानता नहीं, और उधर फिर मेरे दोस्त को कहते हैं वो लड़की को कुछ चाहिए तो मैं दूंगा। तो सब डिफरेंट डिफरेंट उनके हमेशा वक्तव्य रहते रहे। तो विशुद्ध रूप से मैंने कहा कि यदि मनुष्य है, आपसे गलती हो गई है, सुधार कीजिए। और एक पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी ने इतना पवित्र मिशन बनाया है, एक तंत्र बनाया है, एक सिस्टम बनाया, तो सिस्टम के तहत सब काम हो। हाँ। आपने पूरा एकाधिक पत्र कर लिया है और गलत काम भी कर रहे हैं, तो उसको सुधार किया जाए। हाँ। मगर उन्होंने कोई सुधार नहीं किया और आज वही स्थिति बनी, हम लाचार होके फिर आज नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने उनसे कहा कि जो गलती हो गई, आप इंसान है, गलती हो गई, ठीक है, लेकिन अब सुधार करिए। तो सुधार का मतलब क्या, आप उनसे क्या चाहते थे कि वो अपने भीतर क्या सुधार करें बलात्कार के बाद भी? नहीं देखिए, गलती हो गई है, स्वीकारोक्ति हो जाए, मनुष्य है, मनुष्य से गलतियां होती है, मगर गलती को स्वीकार करते हुए हम पारिवारिक ढंग से उसको सुधार करना चाहते थे। हाँ। हमारी भी इच्छा थी। हाँ। कि हमारा ही परिवार है, हमारा ही फैमिली है, हमारा ही वो पीड़िता लड़की कौन है आपकी, कोई रिलेटिव है क्या? कोई नहीं रिलेटिव है, वो भी मैं सेवादार हूँ, वो भी सेवादार थी। तो भाई अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया और बलात्कार जैसा एकदम संगीन घृणित गंदा काम किया है, तो आप लोग मिलकर उसको पारिवारिक बात बता के उसको निपटाना क्यों चाह रहे थे? इसमें गलती आप लोगों की भी है। नहीं, हम देखिए ऐसा नहीं है, गलती नहीं है, हम लोग पारिवारिक ढंग से सुधार करने का हर संभव, जिसको बोलते हैं पराकाष्ठा में जाके भी प्रयास किया गया। हाँ। प्रयास करना कोई गलत तो नहीं है। हाँ। ये हमारी अंतर्मन की बात है, हम अपने अपना परिवार मानते हैं, आज भी उनको अपना परिवार मानते रहे थे। हाँ। मगर उन्होंने अपना हम लोग को परिवार नहीं माना। हाँ। हम लोगों को जो सेवादार को कहता है, किसी को दास, किसी को दासी माना। हाँ। किसी को नौकर माना। हाँ। और हम लोग पूरे भारत में घूमते हैं, असम, अरुणाचल, साउथ से लेकर सब जगह गांव-गांव तक घूम के। हाँ। लोगों को जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। हाँ। और हाँ। हम लोगों की चिकित्सा व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। हाँ। हम लोगों की सारी व्यवस्था। आप थोड़ा कैमरे के सामने आकर बोले, आप बोलते बोलते आप ऐसा कर रहे हैं कि कैमरे के बाहर हो जा रहे हैं, कैमरे के सामने रहिए। हाँ जी, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। जी उनका रवैया ठीक नहीं रहा, वो क्या कहता है सारी हम लोग के मेहनत पर क्या कहता है अय्याशी करते हैं, ये उनका बहुत ही गंदा एटीट्यूड है। हाँ। हर बार वो डिले टैक्टिक्स उनके पास रहता है। हाँ हाँ, थोड़ा समय दो मनमोहन, सब ठीक कर दूंगा, 3 महीना समय दो, सब ठीक कर दूंगा। हाँ। इधर 3 महीने का समय मांगते हैं और उधर उल्टा हम लोग पर कोई धमकी दिलवाएंगे। नहीं मनमोहन जी, जुलाई 2010 में इस FIR के
के मुताबिक जुलाई 2010 में जब बारिश का वक्त चल रहा था, तब उस मेरी बहन जैसी जो लड़की है, इसका नाम शक्ति है, उसके साथ बलात्कार हुआ था। 2014 तक लगातार बलात्कार होता रहा और आज 2020 चल रहा है, 10 वर्ष लग गए एक FIR लिखवाने में, 10 साल लग गए। सर गरीबी भी बहुत बड़ी चीज होती है सर, इस बात को समझने का कोशिश करें। अरे सर 10 साल, मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गरीबी इतनी हावी थी कि कोई कल्पना तो की 14 तक तो वही रही है, उसके बाद उसको लात मार के भगा दिया गया। उसके बाद वो बेचारी किसी तरह से अपने आप को सरवाइव की, किसी तरह से दुनिया को समझी। उसके बाद हम लोग के संपर्क में आई, कोशिश बहुत की 2018 से, फिर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और धमकी मिला, हमें भी धमकी मिला, हम लोग यदि कुछ कोशिश करने लगे तो। अब करते करते अब हम लोग आए कि अब एक तरीका, दूसरा तरीका करना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पर फिर दिल्ली आए। अच्छा अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उनको दंड मिलना चाहिए भारत की न्याय व्यवस्था के अनुसार। अच्छा अब आप प्रणव पांड्या को दंड दिलवाने की बात कर रहे हैं, और जिस वक्त आप इसको पारिवारिक मामला बताकर आपस में निपटाना चाह रहे थे, तब आपके मन में नहीं था कि जो है दंड मिले पापी को? नहीं नहीं, तभी तक नहीं था। हम परिवार को हम भी समझते हैं सर, परिवार में हर बात दब जाए कोशिश की जाती है, और मैं भी परिवार को समझता हूँ, मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ जी। कोशिश पूरी की गई परिवार को समझते हुए जी। एडवोकेट प्रदीप तेवतिया, ये मामला मुझे जितना सीधा आपको मुझे लग रहा है, क्या उतना सीधा ही आपको लग रहा है? वकील साहब मेरी आवाज आ रही है अब तक? आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है, बोलना जारी रखिए। देखिए किसी भी मामले की जो गंभीरता या सीधा होना ना होना, ये न्यायपालिका का काम है। आज की डेट में ये प्रथम दृष्टया मुकदमा है, इस मुकदमे के हिसाब से आगे विवेचना होगी। 164 का बयान होगा, कॉरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंसेस रिकॉर्ड पर आएंगे और 161 की स्टेटमेंट्स होंगी। अगर स्ट्रेंथ मिलेगी तो ये व्यक्ति चार्जशीट भी होगा और ये गिरफ्तार भी होगा। लेकिन वकील साहब भारतीय भारत में ही हमने अलग अलग प्रदेशों में ताजराते हिंद की दफा 376, 354, 354A इन सब का खूब दुरुपयोग देखा है हमने, कि कैसे लोग जो हैं पहले जो हैं दबाव डालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, सामने वाले की छवि खराब करने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं, ये आपने देखा होगा। ये मामला मुझे इस वजह से थोड़ा सा अलग लग रहा है, पिक्यूलियर मामला है ये, और ये मामले में मुझे जहां तक प्रथम दृष्टया सच्चाई है, देखिए दो तीन तरीके की चीज होती है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के चंगुल में रहता है और उससे इन्फ्लुएंस रहता है, तो ये छह साल के करीब जो डिले है, इस डिले ने मुझे भी सोचने पे मजबूर किया। लेकिन जब मेरे को इसका बैकग्राउंड पता लगा इस मुकदमे में, तो मुझे ये फील आया कि इसका कोई फादर नहीं है, और ये लड़की उस वक्त अकेली थी, इसकी 3-4 भाई बहन है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला बड़ा व्यक्ति इसके घर में मौजूद नहीं था। इस लड़की ने जब 18 साल की उम्र ग्रहण करी और इसको लगा कि न्यायपालिका में फर्दर ये विश्वास रख सकती है, निर्भया का केस हुआ, और भी मुकदमों में सजा हुई, जैसे आशा राम बापू का केस देखा और भी मुकदमों में इन्होंने देखा के थी, तो इसको याद आया कि भाई मेरे साथ भी इस तरीके की हरकत हो चुकी है, तो लिहाजा क्यों ना मैं भी कंप्लेंट कराऊं। कंप्लेंट कराई इसने, उसके बाद इसने FIR दर्ज कराई है। तो ऐसे मैटर्स में जहां इन्फ्लुएंस होता है बड़े बड़े साधुओं का, बड़े बड़े लोगों का, तो ये देखा गया है कि उससे निकलने में लगभग समय लगता है, जबकि जो डिफरेंस होता है इकोनॉमिक सोशल स्टाटा में वो बहुत बड़ा होता है। सर आपकी बात सही है, लेकिन 10 वर्ष तक अगर कोई भी बलात्कार पीड़िता वो सामने ना आए, तो कम से कम जो आरोपी है, अभी तो आरोपी भाई, आरोप लग गए तो आरोपी हो गए। मैं डॉक्टर पांड्या का, शैल बालाजी का, गायत्री परिवार का किसी भी प्रकार से मान मर्दन नहीं करना चाहता एक FIR के बिना पर, जब तक विद्वान न्यायाधीश इन सब लोगों को दोषी नहीं करार देता। मैं पूरे सम्मान के साथ हर इस मुकदमे में शामिल, इस घटना में शामिल हर व्यक्ति के पूरे सम्मान के साथ मैं वार्तालाप करूंगा। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं वकील साहब कि आपके पास तो तरह तरह के केसेस आते होंगे, क्या 10 वर्ष बाद बलात्कार का मुकदमा लिखवाया जाए, ऐसा कोई केस सामने आया है, कोई एविडेंस है? देखिए मैंने बहुत विविध तरीके के मुकदमे करे हैं, और इस मुकदमे में जहां तक मैं देख रहा हूं तो इसमें सेक्शन 6 पॉक्सो भी लगना चाहिए। क्योंकि जब ये लड़की का पहला बिल्कुल लगना चाहिए पॉक्सो, ठीक है, पॉक्सो भी लगना चाहिए, और पॉक्सो में प्रिजम्पशन है, पॉक्सो में प्रिजम्पशन से गवर्न है, और वो प्रिजम्पशन रिबटेबल है, वो इन्हें बताना होगा कि भाई आपने नहीं किया। देखिए प्रथम दृष्टया ये चीज मौके पर है कि वो लड़की वहां काम करती थी, उसकी एविडेंस है,
प्रथम दृष्टया ये बात भी सामने है कि वो वहां पर रही है, इस बात की भी एविडेंस है, तो वो अपनी बात कहेंगे ये लड़की ने अपनी बात कह दी। तो जब प्रिजम्पशन से कोई कानून गवर्न होता है तो फिर रिबटल प्रिजम्पशन में मुलजिम को बताना होता है कि उसने नहीं किया। नहीं वकील साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब प्रिजम्पशन इस बात का है कि फलाना जो है अमुक व्यक्ति वहां था, अमुक व्यक्ति वहां रहता था, लेकिन प्रिजम्पशन ये बात नहीं कहता कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा दें बलात्कार जैसा संगीन आरोप और इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर और उसका कोई सबूत ना दें। नहीं सबूत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में ये कहा है कि पॉक्सो के मैटर में या किसी भी बलात्कार के मसले में जो जो विक्टिम होती है उसकी क्वालिटेटिव एविडेंस, वो एविडेंस उसकी ऑकुलर टेस्टिमनी, मुजबानी टेस्टिमनी जो शहादत होती है उसकी वैल्यू है, क्वालिटेटिव वैल्यू 10 साल बाद नहीं है ना सर, 10 साल बाद नहीं है, वो वारदात के आसपास है, ताकि जो जो टेस्टिमोनी है उन टेस्टिमोनी को परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर पुष्ट किया जा सके तब उसकी वैल्यू है। उसके लिए रिलेशना होगी, उसके लिए चार्जशीट होगा, चार्जशीट होने लायक ये केस है, जितना मेरा अपना तजुर्बा है इट इज अ केस विच कैन विच विल बी चार्जशीटेड। और मैं आपको बताता हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज इसमें भरपूर है, ये मुकदमा सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज से लबरेज है इस मुकदमे में। और ये जो आप 10 साल की डिले कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ, ये डिले कोई लगभग ये 6 साल की है, 6 साल का डिले, 6 साल की है, 14 से 20, 6 साल की डिले। हाँ तो ये हाँ जी, तो 18 साल के बाद ये लड़की ने जब इसने हिम्मत जताई तो इसने किया, तो 6 साल का डिले, जैसे कि आशाराम बापू वाले केस में भी डिले बहुत था। जैसे कि बचपन में यौन शोषण होता है, एक फादर है वो बच्ची का यौन शोषण करता है, भाई भी कर सकता है, कोई बाहर नहीं है, कदम कर देते हैं हमारी सोसाइटी में, आप देखेंगे कि कोई भतीजा भतीजे के हो जाता है, कोई मामा कर देता है, तो वो बच्चियों को कई बार गैदर करने में बड़े होने में अब वो कुंठा तो उसके मन में रहती है 4-5 साल की उम्र से, लेकिन वो करेज गैदर करते करते जबकि रिलेटिव बहुत नजदीक होते हैं तो समय लग जाता है। जी कल कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग और कहाँ पर? हाँ जी कल कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहाँ पर? लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मैं तो अपने ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अगर आएंगे तो हम तैयार हैं जी। नहीं तो मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है। आज भी आपने मनमोहन सिंह जी सेवादार हैं और सबसे पहले इस केस को सामने लेकर आए। मनमोहन सिंह जी क्या आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जैसा आपने मुझसे टेलीफोन में कहा था? वकील साहब के साथ बात करके करेंगे। नहीं आपने मुझसे टेलीफोन पे कहा था, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आपने कहा था कि कल सुबह 10:30-11 बजे कड़कड़ डूमा में किसी जगह पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वकील साहब के साथ, करेंगे हाँ या ना? जी हाँ करेंगे। कितने बजे सर? टाइमिंग सेट करके आपको खबर कर दी जाएगी। वकील साहब क्या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई बातचीत हुई है? देखिए मेरे पास इनका फोन आया था और इन्होंने मेरे से कहा था कि क्या आप सच्चाई सामने रख सकते हैं। मैंने कहा मैं अपने लीगल ओपिनियन और सच्चाई जो इस लड़की के साथ हुआ है और जितना मुकदमे में मैं अब तक, क्योंकि मैं विवेचना अधिकारी नहीं हूँ, मैं कानून का ज्ञानी हूँ और मेरा काम कोई भी कनाइमेंस करना नहीं है, कोई कॉन्स्पायर करना नहीं है, मेरा काम है सिर्फ वो बात बताना जो फैक्चुअली आज की डेट में स्थिति है जी। उसके हिसाब से अगर मेरा वकील मुझे कहेगा, कानून है, राइट टू स्पीच है, अगर आप लोग मेरे पास आएंगे तो मैं तैयार हूँ और मैं अपनी बात रखने के लिए जी। और मैं अपने 19 करोड़ दर्शक जो मुझे 4 DTH केबल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मैं उनसे बता दूं कि इस FIR की कॉपी मेरे हाथ में आने के बाद तकरीबन 3 घंटा मैंने राजधानी दिल्ली के अपने पुलिस के तमाम सूत्रों से, जिसमें ACPs हैं, जिसमें DCPs हैं और वकील हैं, मैंने उन लोगों से इस बारे में जानकारी ली, क्योंकि जब इस तरह के ताजिरात हिंद की दफा 376 या पॉक्सो की कोई इस तरह की FIR होती है तो वो ऑनलाइन नहीं डाली जाती है, और इसीलिए FIR की कॉपी मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही थी, और मैंने अपने सारे मित्रों से और अपने सूत्रों से इसकी पहले पुष्टि कराई है। पहले था कि इस खबर को हम 7 बजे दिखाएंगे, लेकिन फिर मैंने मैसेज दिलवाया मनमोहन और वकील दोनों को कि हम भाई इसको 8 बजे चलाएंगे, चूंकि पुष्टि नहीं हो पा रही थी, ठीक 7:45 इसकी पुष्टि हुई कि जी हाँ ऐसी FIR दर्ज हुई है। और मुझे तो विवेक विहार के ACP साहब ने भी कहा कि भाई ये तो FIR आपके पास कैसे आ गई, अभी इस FIR को तो हमने कहीं आगे बढ़ाया ही नहीं है, हमने कहा कोई बात नहीं हमारे सूत्र हैं, और उसके बाद हम इस खबर को दिखाने को तैयार हुए। मनमोहन सिंह अब आगे क्या चाहते हैं, अब क्या होगा? हम लोग ने जो कुछ होना है हम लोग तो चाहते हैं कि बस उन्हें दंड मिले, अपराधी को दंड मिले, उन्होंने बहुत अपराध किया, केवल ये शक्ति ही नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी लड़कियां जो गरीब बेचारी है उनके साथ भी अन्याय हुआ है, और भी यदि इनके साथ उनको अपराधी को अपराध का बोध न हो, दंड न दिया जाए, तो फिर ये अपराध बढ़ता ही जाएगा, और ये जितना पवित्र मिशन है तो पवित्र मिशन अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हें दंड देना अनिवार्य है, और एक अच्छी व्यवस्था इनके बाद बनेगी ऐसा हम सबको विश्वास है जी। कितने दिनों से आपको पता था
कि डॉक्टर प्रणव पंड्या जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, वो बच्चियों का शोषण करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि ये शक्ति कोई पहली नहीं, इसके पहले भी कई बच्चियां थी, तो आपको कब से पता था? जी मान के चले लगभग 8-10 साल से। तो आप 8-10 साल से चुप क्यों थे? सर फिर वही बात बोलूंगा, ये परिवार है, परिवार का परिवार में ही बात समाप्त। अरे परिवार का मुखिया अगर बलात्कार करेगा परिवार के सदस्यों का, तो परिवार का जो व्यक्ति अभी 10 साल बाद बोल रहा है, 10 साल पहले चुप क्यों था? ये हम लोग ने क्या कहता है, कोई हर संभव प्रयास किया है, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। हर लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया है, एक किताब है हमारे पास, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मिशन का चीरहरण, कानपुर के एक परिजन ने छापा था और कई लोगों ने मिलकर छापा था। क्या नाम है पुस्तिका का? क्या नाम है पुस्तिका का? मिशन का चीरहरण। मिशन का चीरहरण। अच्छा वो उसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का फोटो है और बहुत सारी बातें देकर, किताब छापकर, पूरे गायत्री शक्ति की जहाँ जहाँ इनकी शाखाएं हैं देश विदेश में उसको दी गई कि देखिए डॉक्टर प्रणव पंड्या पर अंकुश लगाया जाए, और बहुत लोगों ने मेल करके फोन करके उनको 10 साल से समझा रहे हैं और पहले से भी समझा रहे, मगर वो हमेशा चाल चलते हैं, किसी तरह से बस अपना आधिपत्य जमा रहे, उनका अयाशी चलता रहे, हर संभव प्रयास करते हैं, हर तरीके का प्रयास करते हैं, फिर भी हम लोगों ने क्या कहता है, हर संभव प्रयास किया कि अब तो सुधरे, मगर देखा कि अब तो ये सीमा से परे है, तब जाके हम लोगों ने अब एक कदम उठाया। जी डॉक्टर प्रदीप, एडवोकेट प्रदीप तेवतिया, अब मुझे ये बताइए कि अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी, ये जो जीरो एफआईआर है ये अब हरिद्वार एसएसपी के पास जाएगी उसके बाद? देखिए जीरो एफआईआर में एसएसपी हरिद्वार इसके पास लेंगे, इसको कंसर्न जिला कंसर्न जो थाना अधिकारी है वहां पर भेजेंगे, उसमें महिला अपना जांच अधिकारी बनेंगी, जिससे क्योंकि कंफर्टेबल रहे ताकि प्रोसिक्यूटरिक्स, और कायदे में तो एसएसपी हरिद्वार को सबसे पहले इस लड़की को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। कुछ और भी 2-4 गवाह हैं जो मैं अभी आपको उनका नाम नहीं लूंगा, उनको भी डर है कि उनको मारा जा सकता है, और उनको भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सबसे पहले कानून का काम है इस मुकदमे में गवाहों को, प्रोसिक्यूटर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आपने हालात देखे हैं पहले भी मुकदमों में, प्रोसिक्यूटर्स को कुचला भी गया है, मारा भी गया है, और उन गवाहों को भी दबाया गया है। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से इनकी सिक्योरिटी है, दूसरा फिर वो कंसर्न आईओ जो है, कंसर्न आईओ 164 के स्टेटमेंट के लिए मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ दरखास्त लगाएंगी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 होगा, 164 में और फर्दर सच्चाई निकल कर आएगी, क्योंकि लड़की का वर्जन अभी नहीं आया, लड़की का तो एफआईआर हुई है। कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो जो लड़की है शक्ति, जिस बच्ची के साथ ऐसा हुआ था उस टाइम पर, वो लड़की का वर्जन भी आ सकता है, उसको मफल्ड फेस में रखकर आप लोग दिखा सकते हैं कि भाई उस लड़की के साथ हुआ क्या है। जी क्योंकि वो लड़की उस लड़की की लोकेशन आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, दिल्ली में है, कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है उसकी लोकेशन। मैं बस आपको बता रहा हूँ, पता भी होना हो अगर तो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी की रिकॉग्निशन का सवाल है, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है वकील साहब, मैं आपका फोन काटना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं अन्य दलों के लोगों को जुड़वाना चाहता हूं, अलग अलग पार्टीज के लोगों को मैं जुड़वाना चाहता हूं, ताकि वो भी अपना इसमें पक्ष रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहता हूं कि हरिद्वार के एसएसपी को भी इस पूरे मामले में लाइन में लिया जाए, उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको लाइन में लिया जाए। मैं मनमोहन से बात करना शुरू रखूंगा। मनमोहन सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं जमशेदपुर टाटन नगर, नाम सुना होगा, झारखंड में। जी तो आप यहाँ पर गायत्री पीठ में कब से हैं? मैं 1996 में आ गया था। अच्छा, आप तो बहुत लंबा वक्त है, 1996 बहुत लंबा पीरियड है। क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी उस आश्रम के भीतर काम की? पहले तो शक्ति पीठों का कुछ पत्राचार का काम देखा था, तो हमारे गायत्री शक्ति पीठ पूरे लगभग 5,000 पूरे भारत में है। आप रहिए, प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 9 बार लगातार विधायक रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। प्रमोद तिवारी जी, ये खबर अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है कि गायत्री परिवार के सर्वे सर्वा डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के ऊपर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है, एफआईआर दर्ज हुई है। सर देखिए, अगर एफआईआर तक बात आ गई है तो निश्चित रूप से इसकी निष्पक्ष तफ्तीश होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है, कितनी पहुंच का आदमी है, क्या राजनीतिक रसूख है,
क्योंकि जिनका नाम लिया जा रहा है ये आजकल की मौजूदा सरकार जो प्रदेश में वहाँ है और केंद्र में है, भाजपा सरकार के बहुत करीब है। और अगर लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है और वो खुद जितनी विभत्सता उसने बयान की है उसके बाद तो बहुत शर्मनाक भी हो जाता है जी। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ भारत के कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमोद जी आप रहिएगा, मेरे साथ फोन मत काटिएगा, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा जरा कि वो तस्वीरें दिखाएं जिसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या बड़े बड़े लोगों के साथ, राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी महानतम हस्तियों के साथ वो नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं कि डॉक्टर प्रणव पंड्या देखिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अंतरंगता के साथ ये बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या की ये तस्वीर सामने आ रही है। और मैं चाहूंगा कि जरा इसमें लाल गोला लगा दिया जाए जैसे ये लगा है राष्ट्रपति जी के साथ दिख रहे हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, क्योंकि आरोप इनके ऊपर लग गए हैं, FIR दर्ज हो गई है। ये जीतनराम मांझी के साथ दिख रहे हैं, ये देखिए आप, ये पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर राधा मोहन सिंह नजर आ रहे हैं। तो जो प्रमोद, अच्छा मोहन भागवत जी के साथ भी हैं, मोहन भागवत जी के साथ भी फोटो है भाई, अमित भाई शाह के साथ भी फोटो है डॉक्टर प्रणव पंड्या की। और ये वही डॉक्टर प्रणव पंड्या हैं प्रमोद तिवारी जी आपको याद होगा जिन्होंने राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी की थी कि वो आएंगे तो लाइन में लगना पड़ेगा, वो अमित शाह जितने बड़े कभी नहीं हो सकते। देखिए कुछ अपने आप को ऐसी संस्थाओं के अध्यक्ष, अपने आप को स्वयं को प्रभु कहने वाले बहुत से आशाराम टाइप के लोग, ये सब लोग सरकार की तरफ से इतने वफादार बन गए हैं आजकल कि वो जिम्मेदारी जो भाजपा के सरकार के प्रवक्ताओं की है, पार्टी के प्रवक्ताओं की है, वो खुद निभाने लगे। अब उनकी ये टिप्पणी जो प्रणव पांडे जी ने की थी राहुल जी के प्रति, वो एक अमर्यादित टिप्पणी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजनीतिक कार्यकर्ता बोल रहा है, सत्तारूढ़ दल का कोई बहुत बड़ा प्यादा बोल रहा है। तो वो एक अपनी जगह बात होगी, मैं उस पर नहीं जाता। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर एक मुक्त भोगी लड़की ने FIR लिखाई है उसे न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी उसे भारत के कानून के हिसाब से सजा दी जानी चाहिए। प्रमोद तिवारी साहब बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। एक बार मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि हरिद्वार में जो गायत्री कुंज है, जो गायत्री पीठ है, उसके सर्वे सर्वा डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार थाने में बलात्कार की एक 0 FIR दर्ज हुई है। IPC की धारा 376, 506 और 34 के तहत ये धारा दर्ज हुई है। और ये इसमें कहा गया है कि जुलाई 2010 में एक बच्ची जो 14 साल की थी उसके साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या ने बलात्कार किया और उसके बाद जब उस बच्ची ने शैल बाला पंड्या जी से शिकायत की, जिसे वो जीजी बोलती थी, जब जीजी से शिकायत की तो जीजी ने उन्हें डरा धमका कर वहां से भगा दिया। उसके बाद 2010 से लेकर 2014 तक इस बच्ची के साथ लगातार बलात्कार हुआ। छत्तीसगढ़ की ये रहने वाली बच्ची है, OBC है, ये अदर बैकवर्ड क्लास की ये बच्ची है और इस FIR में भी अभी तक पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण, आप भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी बताइए क्या हो रहा है ये देश में? देखिए बता दो, आप दे रहे हैं जानकारी तो सबसे पहले आप दे रहे हैं, आपका न्यूज चैनल दे रहा है जी, मगर शर्मनाक है। कोई भी घटना है और इतनी पुरानी घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों द्वारा की गई है अगर जांच में वो लोग दोषी पाए जाए तो कार्रवाई हो। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपका ध्यान अगर आकर्षित करूं, 2018 में एक मामला हुआ था मंदिर में कठुआ में जिसमें 8 वर्षीय लड़की का एक बलात्कार हुआ था, छोटी बच्ची थी वो हमारी, उसमें पुलिस के लोग भी शामिल। अब उस मामले को यहाँ मत उठाइए क्योंकि उस मामले में बहुत सारी जांच की परतें सामने आई थी, उसमें मैं कुछ जानकारी दूंगा तो मामला सही नहीं होगा। हम इसी मामले विशेष पर रहते हैं। मेरी जब आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है चंद्रशेखर भाई, मैं इसी मामले के बारे में बात करूंगा। मैं ना तो कठुआ जाऊंगा ना पालघर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। मैं इससे जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ।
वो बच्ची को मंदिर में रखा गया काफी दिन और एक हफ्ते बाद उसकी गला घोट के जान ले ली गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कितने लोग यौन शोषण के इस मामलों में, ये जो धार्मिक लोग है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चिन्मयानंद साहब हो, रामपाल साहब हो, गुरमित राम रे, कितने लोग इस तरह से जो है जेलों में है, लेकिन सरकार के संरक्षण के बिना इन लोगों को ऐसा नहीं मदद हो सकती इतने गंभीर मामलों में। आप सोचिए, आपके उस पर खबर चल रही है कि मेडिकल रिपोर्ट को छिपाया गया, देश में रोज रेप होते हैं, लॉकडाउन में इतने रेप हो रहे हैं, कहाँ कार्रवाई हो रही है जब पैसे वाले पूंजीपति सामने होंगे और मतलब रोगधारी लोग होंगे, सरकार उनका संरक्षण करेगी। शेखर भाई, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से आंशिक तौर पर सत्य हूँ। आपने मंदिरों की और मठों की बात की है, चंद्रशेखर भाई, आपने मंदिरों और मठों की बात की है। अगर आप मदरसों की बात कर लेते, चर्च की बात कर लेते, तो ये खबर और आपका जो कथन है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए आवाज दोबारा फोन लगवा रहा हूँ चंद्रशेखर भाई, दोबारा फोन लगवा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर आजाद रावण, ये अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा कर रहे हैं। अरे भाई रावण भाई, आप कह रहे हो कि मंदिरों में मठों में ऐसा होता है, आपने सारा वही आपने गलती कर दी ना। आपने मदरसों की बात क्यों नहीं की, आपने चर्चों की बात क्यों नहीं की? मैं कम 75 मठ गिना दूंगा और 175 मदरसे गिना दूंगा कि जहां पर इस तरह का बलात्कार होता है। गाजियाबाद भूल गए क्या, 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जब पकड़ा गया मौलवी ने बोला कि जस्टिस फॉर गीता भाभी, 11 साल की बच्ची उस कठमुल्ला को भाभी लग रही थी। तो ये अपना इस तरह से पॉलिटिकल एजेंडा सीधा मत करो भाई, ये बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर पर मैं फिर लौटता हूं। हरिद्वार स्थित शांति कुंज गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ बलात्कार का एक FIR दर्ज हुआ है राजधानी दिल्ली के विवेक विहार थाने में। मनमोहन हमारे साथ जुड़े हैं, आप इस आश्रम के सेवादार हैं। मनमोहन जी, और क्या क्या गतिविधियां इस आश्रम में होती हैं जो इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, अनैतिक हैं? मनमोहन सिंह आवाज आ रही है, फोन लगाएं, मनमोहन सिंह को फोन लगाया जाए। और जरा मैं चाहता हूं जरा तस्वीरें दिखाई जाएं, जिन तस्वीरों में डॉक्टर प्रणव पंड्या नजर आते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, वो तस्वीरें जरा दिखाइए। जी, डॉक्टर प्रणव पंड्या टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े लोगों के साथ दिख रहे हैं। जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ नजर आ रहे हैं। मोदी जी के साथ देखिए कैसे बैठ के वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या। मैं प्रणव पंड्या को तब तक दोषी नहीं मानता जब तक अदालत उन्हें सजा नहीं दे देती, इसलिए मैं इस FIR के बाद डॉक्टर प्रणव पंड्या को आरोपी कह रहा हूं। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के साथ प्रणव पंड्या की फोटो, ये जीताराम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके साथ की फोटो है। राधा मोहन सिंह भी नजर आ रहे हैं जो कृषि मंत्री थे मोदी वन में, और मोहन भागवत जी के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए ये सारे बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं। अमित भाई शाह देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नजर आ रहे हैं। ये तमाम जो धर्मज्ञों के साथ, धर्माचार्यों के साथ दिख रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बने, दलाई लामा के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये मंच शेयर कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। ये देखिए, ये मुझे लगता है सुरेंद्र सिंह हैं जो बैरिया के विधायक थे। और ये देखिए चिदानंद मुनि जी परमार्थ निकेतन के सर्वे सर्वा हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी थे। तो ये जो देखिए अवधेशानंद गिरी जी हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी के साथ नजर आ रहे हैं प्रणव पंड्या। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव के साथ, बाबा रामदेव के साथ देखिए दिख रहे हैं। मोदी जी भी यहां दिया जला रहे हैं सब मिलके। वाह, ये देखिए राम नाईक, रीता भोगना जोशी, इन सब के साथ दिख रहे हैं। तो प्रणव पंड्या जो है, बहुत बड़ा कद है प्रणव पंड्या का, और इसीलिए इस खबर को जब मेरे पास ये खबर आई तब हमने इस खबर को चलाने के पहले 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया ताकि हम इस खबर की पुष्टि कर पाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, बलात्कार हुआ नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में FIR हुई नहीं हुई, ये मेरा विषय नहीं है, ये कानून के जानकारों का और माननीय न्यायालय का विषय है। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि देश के एक बहुत ख्यातिलब्ध, बहुत प्रसिद्ध, बहुत इज्जतदार जो गायत्री परिवार है, इस गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ 14 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में IPC की धारा 376, 506 और
34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और ये एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है जो मैं लिया हुआ हूं। ये एफआईआर की कॉपी जो है, इस एफआईआर की कॉपी में इस लड़की ने, जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 मई 1995 है, यानी आज ये जो लड़की है ये 25 साल की हो गई। 10 मई 1995 आज 6 तारीख है, यानी 4 दिन बाद ये लड़की 25 साल की हो जाएगी। और जिस वक्त इसके साथ बलात्कार हुआ था उस वक्त इस लड़की की उम्र मात्र 14 साल थी। ये विवेक विहार थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है जो हम आपको हिंदी खबर की टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखा रहे हैं। देखिए गोले के भीतर, आप पढ़िए गोले के भीतर जो इस बच्ची ने लिखा है वो ये लिखवाया है कि बारिश के मौसम वाले दिनों यानी जुलाई 2010 में जब मैं इन्हीं घर के कामों में लगी हुई थी तब एक दिन जिसकी तारीख मुझे ठीक तरह से याद नहीं, 1:30 बजे शैल जीजी के कहने पर ऊपर डॉक्टर साहब के कमरे में मैं कॉफ़ी देने गई। उन्होंने मुझे अंदर आकर कॉफ़ी को टेबल पर रख देने को कहा। टेबल पर कॉफ़ी रखते रखते उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर मेरा हाथ खींचकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा बलात्कार किया। मैंने विरोध में उन्हें लात मारी लेकिन वो ऐसे ही ज़बरदस्ती करते रहे। मैंने ये भी कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये पाप है, तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा। ये एफआईआर में लिखवाया गया है, दिल्ली पुलिस में ये एफआईआर दर्ज है प्रणव पंड्या के खिलाफ। आगे लिखती है वो लड़की कि 7-8 दिन बाद दूसरी बार फिर इसी तरह से हुआ और उन्होंने मुझे किसी को नहीं बताने की धमकी दी, मैं बहुत डर गई थी। तीसरी बार 8-10 दिनों बाद उन्होंने फिर से मेरा बलात्कार किया। इस बार मैंने कहा कि जीजी को बता दूंगी तो उन्होंने मुझे धमकाया। फिर भी हिम्मत जुटाकर इस बार मैंने जीजी को बताया तो जीजी ने मुझे कहा कि मुंह बंद करके रहो, किसी को बोलोगी तो तुम्हारी बदनामी होगी। लड़की आगे लिखती है कि अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी जो 10-15 दिन लगातार चलता रहा, रुकता फिर शुरू हो जाता, बार बार ये समस्या आने लग गई। फिर भी जीजी मुझे डॉक्टर साहब के कमरे में लगातार जाने का दबाव डालती, मैं इनकार कर देती तो जीजी मुझे खूब गालियां देती। 2014 तक ये सब चलता रहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने चुपचाप घर वालों को बुला लिया और वो मुझे अपने घर लेकर नवंबर 2014 में चले गए। यानी जुलाई 2010 से नवंबर 2014 के बीच में जो हुआ वो इस एफआईआर में इस पीड़ित बच्ची ने लिखा हुआ है। मनमोहन जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आप 96-96 से वहां पर हैं, कई साल हो गए आपको वहां पर, और क्या क्या देखा आपने जो इलीगल था, अनैतिक था? सबसे सबसे महत्वपूर्ण इलीगल चीज है कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जो संस्थापक हैं, इस संस्था को एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में बनाया, सभी को आप ट्रस्टी बनाए और सबके अलग अलग लोग को बनाया और साधकों को बनाया, प्रतिभावानों को ट्रस्टी बनाया। मगर इन्होंने क्या धीरे धीरे करके षड्यंत्र करके पारिवारिक ट्रस्ट बना दिया, ये पब्लिक ट्रस्ट है, इसको प्राइवेट ट्रस्ट बना लिया, पांड्या ट्रस्ट एंड कंपनी जैसा हो गया है। कहने को वेद माता गायत्री ट्रस्ट है जो सबके लिए है, मगर इन्होंने एकाधिपत्य कर लिया। सबसे बड़ी गलती हुई है कि परिवारवाद। और मजे की बात है कि हमारे संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा जी ने कभी परिवारवाद को सपोर्ट नहीं किया लीगली भी, और ये इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक धीरे धीरे करके सब अच्छे अच्छे लोगों को हटाते गए, प्रतिभावानों को हटाते गए और अपना पारिवारिक साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित कर लिया। अच्छे अच्छे लोग दुखी हैं। आप मुझे ये बताइए कि वहां पर ये जो आप कह रहे हैं ये तो आपका आकलन है, वहां पे ऐसी कौन सी गैर कानूनी गतिविधियां होती थी, मुझे वो बताइए। ये भी तो गैर कानूनी है सर, क्योंकि ट्रस्ट में तो जो ट्रस्टीड है उसमें क्या कहता है, कहीं परिवार को तो महत्व नहीं दिया गया है, ट्रस्ट को महत्व दिया गया, सिस्टम को महत्व दिया गया है। हमने आरटीआई के द्वारा क्या कहता है कुछ सब कुछ जानने का प्रयास भी किया तो मुझे कहता है मना कर दिया गया और पीओ कॉपी नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ पारदर्शी नहीं है। अच्छा, और ये अपने सारे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जनता का पैसा है, जनता के लिए है, मगर ये एक परिवार उस पर पूरा एकाधिकार किया हुआ है, हर निर्णय का कहता है एक परिवार लेगा, काम का कमिटी किस काम की, कार्यकारिणी किस काम की, जो अपना पूरा पूरा जीवन लगा दिया 40 वर्ष से 60 वर्ष से, उनका कोई महत्व नहीं है, केवल एक परिवार का महत्व है। जरा मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि आचार्य चक्रपाणी जी को फोन लगाया जाए भाई,
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी जी को फोन लगाया जाए, जो कि चक्रपाणी जी इस पूरे मामले में बहुत अच्छे से चीज़ों को बता पाएंगे, क्योंकि वो इस पूरे मामले में बहुत एक्टिव जुड़े रहते हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम, इन दो लोगों को फोन लगाया जाए, क्योंकि ये मामला वाकई बहुत गंभीर है। जी मनमोहन जी, और बताइए, और क्या होता था वहां पे, और क्या आपको धमकी दी गई कभी? जी हमें तो कहता है कई बार कहा गया, 2013 में की बात है, कहता है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि बड़े बड़े लोग मेरा कुछ नहीं कर पाए, मनमोहन तुम क्या कर पाओगे, मेरा विरोध मत क्या करो। अच्छा, और इसके अलावा फॉलो मी ओनली। नहीं, फॉलो मी मतलब क्या, जैसा वो करते हैं वैसा अपन भी करें? नहीं, फॉलो मी मतलब हम जो कहें वो करो। अच्छा, तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं पूरे टाइम क्या? नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आपको और क्या पता, और कितनी बच्चियां जिनके साथ उन्होंने ऐसा काम किया? देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं क्या कहता है और लड़कियों से बात नहीं किया हूँ, मगर उनका जो नेचर है, उनका जो ये सर्वविदित है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। जी, आचार्य चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य चक्रपाणी जी, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली और बहुत शर्मिंदगी भरी खबर है जो इस वक्त मैं दे रहा हूं। ये पूरे भारतीय संत समाज के लिए बहुत हैरतअंगेज खबर है कि हरिद्वार स्थित जो श्री राम आचार्य जी का गायत्री परिवार है, उनके जो दामाद इसको चला रहे हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, उनके ऊपर एक नाबालिग लड़की ने FIR करवाई है लगातार 4 साल तक बलात्कार करने की, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर ऐसा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो हमें अगर गलत नहीं है तो शायद वही प्रणय पांडे हैं जिनको राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, तो और उन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया था कि, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए और जाँच के बाद जो भी हो कार्रवाई उचित होना चाहिए। अगर नाबालिग बच्ची है तो ये बड़ा संगीन ये आरोप है जी। और इसको चक्रपाणी जी, FIR की कॉपी मेरे पास है, 3 पन्नों की FIR, दिल्ली के विवेक विहार थाने में 5 तारीख को FIR हुई है, और ये अंडर सेक्शन 154 CRPC के तहत FIR दर्ज हुई है, और ये 0 FIR है जो अब हरिद्वार के SSP को भेजी जाएगी, क्योंकि जो आश्रम है गायत्री का वो शांति कुंज हरिद्वार में है, और इसमें स्पष्ट तौर पर लड़की ने कहा है कि जुलाई 2010 से नवंबर 2014 के बीच में ना जाने कितनी बार डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उस नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया, वो लहूलुहान कर दिया, उसकी हालत बिगड़ी, उसको अस्पताल लेकर जाया गया, डॉक्टर पे दबाव डाल के उस रिपोर्ट को बदलवा दिया गया, लगातार ये सिलसिला जारी रहा। मैं अभी भी कहता हूं कि जब तक माननीय न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार ना दे तब तक वो निर्दोष रहता है, और इसीलिए मैं केवल आरोपी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं डॉक्टर प्रणव पंड्या के खिलाफ, लेकिन ये बातें जो FIR में लिखी हैं ये बातें बहुत चिंताजनक है सर, बहुत घातक है ये। देखिए ऐसा अतुल जी, इसके पहले भी जैसे पूर्व में भी एक महिला ने कैलाशानंद जी पे भी आरोप लगाई थी, उनके भी खिलाफ FIR हो गया, तो कई बार ऐसे देखने में आता है कि FIR होता है लेकिन बाद में वो गलत साबित हो जाता है। अब इसमें ये चूंकि बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, और ये तो बिल्कुल जांच का विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, और लेकिन एक संत पे और प्रणय पंड्या जी ने गायत्री परिवार के लिए काफी काम किया है, और श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत ही अतुलनीय काम किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो ये आरोप लगना है ये पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ा ही लज्जाजनक है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही स्तब्ध करने वाला है, तो इसको जांच होनी चाहिए, जांच जैसा भी होता है जांच के बाद ही कुछ इसमें कहा जा सकता है, लेकिन अगर जो ये सच्चाई होगी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा जी। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो FIR है, इस FIR में जो चीजें दर्ज हैं सर, मैंने पढ़ा, ये बहुत चौंकाने वाली है। ये छोटी सी बच्ची, 14 साल की छोटी सी बच्ची, ये किसी की भी बेटी हो सकती है सर, हमारी आपकी किसी की बेटी हो सकती है, हमारी आपकी किसी की बहन हो सकती है, और इस तरह की जो वहशियाना हरकत अगर कोई करे तो देखिए, एक आम रिक्शे वाला अगर बलात्कार कर दे तो एक सामान्य अपराधी के तौर पे उसको डील किया जाना चाहिए, लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति जो देश को दिशा दिखा सकता हो, दिखाता हो, अगर वो अपने पद पर रहते गड़बड़ करता है, अपराध करता है, तो उसकी सजा और ज्यादा होनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो एक और भी बात है अतुल जी कि गायत्री मंत्र का इन्होंने पूरी प्रचार प्रसार किया। गायत्री अपने आप में एक नारी शक्ति है, हाँ। तो इसलिए वहाँ पे एक मुखिया के द्वारा जिसने खुद गायत्री का वो किया, अगर इस तरह के आरोप लगता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा लज्जाजनक कुछ नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से कोई जो धार्मिक जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की घिनौना अगर कार्य करता है तो स्वाभाविक है कि लोगों में एक अनास्था उत्पन्न होती है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए अगर उन्होंने किया है तो। लेकिन जांच इसकी होनी चाहिए गहनता से, क्योंकि बिना जांच का कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। और चक्रपाणी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि महामंडलेश्वर आदरणीय कैलाशानंद जी के ऊपर भी एक महिला ने आरोप लगाए थे और बाद में वो महिला खुद गलत साबित हुई थी कि ब्लैकमेलिंग का यह पूरा मामला था। और ऐसी कई बार चीजें ऐसी आती हैं कि जहां पर जैसे ताजिरात हिंद की दफा 498A जो दहेज उत्पीड़न की के लिए लगाई जाती थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया और कहा कि भारत में 498A का बहुत दुरुपयोग हुआ है। और अब ऐसे ही देखा जा रहा है कि SC ST एक्ट हो, 376 हो, 354A हो, इन सब धाराओं का जो है वो बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ये जो मामला है, इस मामले में जो सिर्फ एक संदेह की सुई जाती है सर चक्रपाणी जी, कि 10 साल तक या कहें टेक्निकली 6 साल तक वो लड़की चुप क्यों रही? अगर नवंबर 2014 में अपने घर आ गई थी तो उसके बाद उसको FIR दर्ज करा देनी चाहिए थी 2020 में। क्यों देखिए, कई ऐसे जगह देखने अतुल जी देखने को मिलता है, काफी प्रॉपर्टी का मामला है, कोई विशेष कुंदक होता है, हाँ। उसमें भी कई जगह आरोप लगा करके जानबूझ के किसी से आरोप लगवा दिया जाता है। देखिए, जो एक बात आपने कहा ना कि बड़े लोगों को, तो एक और भी बात है, जैसे किसी की पब्लिसिटी हो जाती है धर्म क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, एक उनका स्थान बन जाता है, हाँ। तो उनके आरोप लगाना लोगों के लिए और थोड़ी इसकी आसान हो जाती है, फैशन बन गया, आजकल फैशन हो गया। हाँ, तो उसको उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि कई ऐसे लोगों पे ऐसे आरोप लगे और बाद में पता चला कि वो तो प्रॉपर्टी के लिए या तो कुछ विशेष खुंदक उनको थी, उन लोगों ने परिजनों ने मिलके बच्चे बच्ची के होकर के और हाँ। उस व्यक्ति को पे आरोप लगा दिया, बाद में कोर्ट में वो होता है, तब तक वो बदनाम हो जाते हैं, तब तक उनकी पूरी छवि खत्म हो जाती है। हाँ। इन सब विषयों पे बिल्कुल लोग करना चाहिए, ध्यान देके जांच करना चाहिए। जी महाराज जी, आप रहिएगा, हमारे साथ महाराज जी फोन ना काटिएगा, हमारे साथ मनमोहन सिंह साहब हैं, आप मौजूदा सेवादार हैं गायत्री परिवार के और 1996 से वहां कैंपस में रहते हैं। मनमोहन सिंह जी, चक्रपाणी बाबा हमारे साथ हैं, कोई अगर आप बात करना चाहें तो सुन रहे हैं आपको। वो नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं है, रिवेंज नहीं है, ये एक सोशल रिफॉर्म के लिए किया जा रहा है, ये सामाजिक संस्थान है, समाज के उत्थान के लिए बनी संस्था है पंडित श्रीराम शर्माचार्य जी के पवित्र भाव से, मगर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के नेतृत्व के कारण ये गड़बड़ाया था, इसलिए अब उनको दंड मिले और पुनः ये वो जो पवित्र मिशन है पवित्र हो जाए, इसलिए हम लोग उनको दंड दिलाना चाहते हैं। नहीं तो सवाल देखिए मनमोहन जी, आप समझिए बात को, जब भी कोई वारदात होती है उस वारदात के तुरंत बाद या एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक रीजनेबल टाइम में अगर उस पर रिएक्शन आवे तो समझ में आता है। 10 साल या 6 साल, जैसे वकील साहब कहते हैं 6 साल, नवंबर 14 से आज मई 2020, 6 साल के आसपास का वक्फा, 5.5 साल के आसपास का पीरियड हो गया है, 5.5 साल बाद क्या सबूत आप पेश कर पाओगे भाई, कैसे आप ये आरोप इस्टेब्लिश करोगे? पीड़िता ने लगाई है आरोप, पीड़िता ने क्या कहता है, बिना सोचे समझे नहीं की है, हाँ। वो बेचारी क्या कहता है, गरीबी के कारण इतना दिन तक चुप रही थी, हाँ। अब उस समाज में आई, उसकी हिम्मत बनी, निर्भयाकरण के बाद उनके और हिम्मत बढ़ी, हाँ। और फिर वो आगे आई है, तो विश्वास है मिलेगा उनको भी न्याय। जी चक्रपाणी बाबा, ये CBI जांच की मांग कर रही है बच्ची और कह रही है कि आज निर्भया के दोषियों को सजा पाए देखती हूं तो मुझे फिर से हौसला मिलता है और कानून पर विश्वास बढ़ता है, उम्मीद जगी है कि अब आपसे प्रार्थना की CBI जांच कराएं। देखिए, अगर एक बच्ची ने आरोप लगाया संगीन है तो बिल्कुल इस पे ध्यान तो देना चाहिए और जांच तो हर व्यक्ति का एक अधिकार बनता है, अगर बच्ची कहती है तो इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि जांच में एक तरफा तो कुछ आता नहीं, जो भी होगा वो निष्पक्षी जांच एजेंसियां हैं, चाहे CBI हो, तो इसलिए अगर जांच के लिए बच्ची कह रही तो जांच के लिए होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जांच होगा तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रपाणी महाराज, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूँ कि जरा आचार्य प्रमोद कृष्णम को लाइन पे लिया जाए, आचार्य प्रमोद कृष्णम इस पूरे मामले में और ज्यादा अच्छे से
जो है वो पक्ष रख सकते हैं। मनमोहन जी, मैं आपसे और समझना चाहता हूं कि उस आश्रम में, जैसा मैंने बार बार पूछा है कि उस आश्रम में जो और क्या कोई अपराध हुआ है, और किन्हीं बच्चियों के बारे में अगर आप जानते हो तो उन बच्चियों का भी आप जो है क्या अब FIR करवाएंगे और ज्यादा? नहीं नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं और किसी के बारे में जानता नहीं हूँ। हाँ, मगर जांच होगी तो बहुत कुछ खुल के आएगी। हाँ, ऐसी आशा है। आप साफ साफ नहीं कह रहे हैं, मुझे लगता और आपको और साफ होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें जिसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है उसी को रखा गया है। हाँ, जिसके बारे में पूरी अच्छी जानकारी है उसी का FIR किया गया है। हाँ, और किसके किसके साथ हुआ ये जांच का विषय है। तो आपकी जानकारी क्या कहती है कि डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया जब वो नाबालिग थी, ये आपकी जानकारी कहती है? जानकारी का तो उसने बताई है 2018 में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, तो आप तो पहले जानकारी होती तो पहले उसके साथ देते। अच्छा, तो आपको 2018 में पहली बार पता लगा कि डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उस नाबालिग के साथ बलात्कार किया? जी। लेकिन वो तो 2014 नवंबर में अपने घर चली गई थी, तो आपसे कहाँ मिली? ये कहते हैं हमारे एक दोस्त रहते थे, हमारे साथ ही काम करते थे, विशेषकर साउथ इंडिया में। हाँ, हम लोग एक साथ काम करते थे। हाँ, उनको डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने जबरदस्ती निकाल दिया गया। क्या नाम है दोस्त का? उनका तोशन साहू जी नाम है। तो उनको क्यों निकाल दिया गया बिना कारण का? उनकी एक उनकी पहली श्रीमती जी का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया, और फिर उसके बाद उसने वही उस लड़की के साथ ही एक रहने वाली के साथ शादी की। उस लड़की के साथ ही रहती थी, शक्ति के साथ ही, वहीं ऊपर में ही एक साथ। वहाँ वो दूसरे जगह रहती थी। हाँ, वो लोग दूसरे जगह रहते थे, डॉक्टर साहब के विशेष सेवा में रहते थे, वो दूसरे जगह छक्के में काम करती थी। हाँ, वहाँ ऊपर में रहती थी और उसके साथ शादी हुई, वो भी विधवा थी। हाँ, ये विदुर थे। हाँ, शादी होने के बाद उसको एकदम ऑर्डर किया गया कि इससे क्यों शादी की गई, जिससे पूछा क्यों नहीं गया, और उसको निकाल दिया गया। निकाल देने के बाद वो कहता है वो बेचारा दर दर भटकता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने मोदी जी को लेटर लिखा 17 फरवरी 2018 को। उसके बाद न्याय की मांग की, और उसके बाद वहां से पत्र आया शांति कुंज, तो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अपने लोगों से लिखवा दिया इसके आचरण खराब थे। आचरण कहीं से भी खराब नहीं था। मैंने भी जब 8 अगस्त 2018 को उनसे बात की। हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को कहा क्या तोशन जी पर जो आपने आचरण का आरोप लगाया है, हाँ, क्या ये सत्य है? उन्हें कहा नहीं, ये गलत हो गया है, मेरे नाम का लोग दुरुपयोग करते, झूठ बोल दिए, वास्तव में खुद करते हैं और दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। आप लोग कोई खुन्नस निकाल रहे हैं क्या कि जो साहू जी थे, साहू जी को निकाल दिया डॉक्टर पंड्या ने, तो आप लोग खुन्नस निकाल रहे हैं और एक पूरी कॉन्सिपिरेसी की तरह आपने इस लड़की को तैयार किया? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई कॉन्सिपिरेसी, इट इज नॉट अ रिवेंज। इट इज नॉट अ रिवेंज। हम लोग इट सीम्स दैट यू ऑल आर यू नो मेकिंग अ ट्रैप फॉर टेकिंग द रिवेंज। इट इज टोटली रॉन्ग। सो व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ ये है कि कहता है, वो कहता है गलत करते हैं, गलत करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं, लोगों को भगाते रहते हैं। 96 से लेके आज तक 2020 हो गया, आपको इतने वर्षों में आज तक कभी समझ नहीं आया कि वो गलत करते हैं और आपको अपना मुंह खोलना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए? आपकी चुप्पी आप पे सवाल खड़े करती है। सर, हम लोग ने जो न्याय की मांग की है, हाँ, तो न्याय मिले ऐसी प्रार्थना है बस। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह, बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियो फुटेज है जो आज आपका हमारा कन्वर्सेशन है ये, और प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये एक बहुत दुखद खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरा देश कोरोना से पीड़ित है और आज हरिद्वार स्थित गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पर बलात्कार की FIR दर्ज हुई है। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची ने FIR दर्ज कराई है। सर अतुल जी, मुझे इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरा, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणव पांड्या बहुत ही एक संभ्रांत और सुसंस्कृत और बहुत ही हमारे देश के एक गौरवशाली व्यक्ति हैं, उनका उनकी सेवाएं हैं। लेकिन क्योंकि अगर किसी ने कोई FIR जी, अगर ऐसा, हाँ हाँ, जांच का विषय मैं भी पता करके, हाँ,
आपसे कुछ बात ज्यादा कर पाऊंगा, अभी मुझे कुछ भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जी, जो आप बता रहे हैं सिर्फ वही मुझे पता चला है। जी, ये जो विवेक विहार दिल्ली में एक 0 FIR दर्ज हुई है, और इस FIR में बच्ची ने जो जिसकी उम्र है 25 साल की हो गई है, जिस वक्त वो 14 साल की थी जुलाई 2010 में, उसकी घटना का जिक्र याद दिलाते हुए उसमें लिखा है कि मेरे साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या ने जुलाई 2010 में बलात्कार किया और नवंबर 2014 तक वो ऐसा करते रहे, ये इसमें लिखा गया है, और ज़बरदस्ती करते रहे, मैंने उनको रोका तो शैल बाला जी ने भी अपने पति का साथ दिया और मुझे मुंह बंद रखने की धमकी दी। नवंबर 2014 में मैं अपने घर छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा चली गई, और निर्भया केस के बाद अब मेरे अंदर हौसला बढ़ा और मैं चाहती हूं कि इस आरोपी को दंड मिले, इस दोषी को दंड मिले, ये कहना है बच्ची का। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही ज्यादा अतुल जी गंभीर विषय है। मुझे हैरानी भी हो रही है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह की अगर किसी बच्ची ने FIR कराई है, शिकायत की है, तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी महिला का यौन शोषण होना या उसके साथ कोई दुष्कर्म होना, जबरदस्ती होना, ये भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारतीय कानून, भारतीय संविधान सबके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। और लेकिन मुझे सच में आपको बताऊं, मुझे तो ये किसी ना तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मुझे इस खबर की जानकारी है, ना किसी मीडिया के माध्यम से, अचानक आपके यहाँ से फोन आया तो मुझे फोन लाइन पर कनेक्ट कर दिया गया। बट आप जो कह रहे हैं मैं उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूँ, मैं इसकी जो भी संभव है मैं भी कोशिश करूंगा इसकी जानकारी लूं। लेकिन आपको भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर, आप कर दीजिएगा, लेकिन ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। प्रारंभिक प्रथम दृष्टया मुझे इस पे यकीन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे संभव नहीं है कि डॉक्टर प्रणव पांड्या जैसा व्यक्ति इस तरह की कोई उनसे वो हरकत कर सकते हैं या इस तरह का अपराध कर सकते हैं। बट बच्ची की, लड़की की, महिला की शिकायत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से मैं इस खबर को आपको सबको बताना चाहता हूं, हिंदी खबर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसको मैं लेकर आया हूं, गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या के खिलाफ एक बलात्कार की 0 FIR दिल्ली के विवेक विहार थाने में दर्ज हुई है, और लड़की ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि जुलाई 2010 से नवंबर 2014 के बीच में कई बार डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उसका बलात्कार किया, जिस वक्त उसका बलात्कार हुआ वो केवल 14 साल की थी, 10 मई 1995 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, आज वो लड़की 25 साल की है, और उसने अपनी FIR में आगे लिखा है कि निर्भया के दोषियों को सजाए मौत देने के बाद मेरे मन में कानून के प्रति और भी ज्यादा जो विश्वास है वो प्रबल हुआ है, और इसलिए मैं अपने ऊपर बीते हुए जुल्मों अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट हुई हूं। दिल्ली के विवेक विहार थाने में ये 3 पन्नों की, जी फिर देखिए, ये 3 पन्नों की जो FIR है वो उस लड़की ने लिखवाई है, और इस 3 पन्नों की FIR में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का नाम बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा गया है। पहले पन्ने में लिखा हुआ है, प्रणव पंड्या रेजिडेंट ऑफ शांति कुंज आश्रम हरिद्वार उत्तराखंड हरिद्वार, और दूसरे नंबर पे आरोपी हैं शैल बाला पंड्या, और इनका भी यही पता है, शांति कुंज हरिद्वार। ये बहुत चौंकाने वाली ये FIR है, और इस लड़की ने अपना नाम शक्ति इसमें रखा हुआ है, अपना असली नाम ना बताते हुए शक्ति लिखा गया है, और अंडर सेक्शन 376, 506 और 34 IPC के तहत ये केस लिखा गया है, और इस केस को लिखने वाले की अकल पे भी मुझे तरस आता है कि जब वो कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार जब हुआ तब मैं 14 साल की थी, तो इस FIR में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया, ये अपने आप में सोचने की बात है। ये इस वक्त की हिंदी खबर पर सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। मैं एक बार 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 ये कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या या डॉक्टर शैल बालाजी को किसी भी तरह से बलात्कारी या आरोप या दोषी नहीं ठहरा रहा, ये काम अदालत का है कि वो उन्हें सजा देते हैं या दोष मुक्त करते हैं, ये काम मेरा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब तक अदालत से सजा ना मिल जाए तब तक वो दोषी नहीं होता है, और मैं सिर्फ ये अपडेट देने जा रहा हूं कि डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बालाजी के खिलाफ एक लड़की ने दिल्ली के विवेक विहार थाने में
बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाई है। ये जीरो एफआईआर है जो हमारे हाथ में तीन पन्नों की एफआईआर है और अब इसको हरिद्वार के एसएसपी के पास भेजा जाएगा। आगे क्या कार्रवाई होगी उससे आपको बताऊंगा। ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी खबर पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।